निश्चित तौर से वो तो तय हो गया, जब तय हो गया तो हमको लगता है कल कर देंगे। आज छुट्टी थी, आज पार्लियामेंट बंद था, कल मुझे लगता है कि कल वो पार्लियामेंट खुलेगा, कल वो घोषित कर सकते हैं। नियम अनुसार राहुल जी को दो जगह से जीते हैं और एक जगह से छोड़ना पड़ेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि क्या निर्णय हुआ है। निश्चित तौर से मुझे जानकारी जो मिली है कि उसमें जो उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी, हम सब लोगों ने भी मांग किया था कि राहुल जी रायबरेली से रहें, यहाँ से रहें, क्योंकि परिवार की ये धरती है। और आदरणीय सोनिया जी ने कहा था रायबरेली के लोगों से कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो निश्चित तौर से उस बेटे का सम्मान किया रायबरेली की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने राहुल जी को अपना नेता माना, अपना परिवार का सदस्य माना। मैं निश्चित तौर से राहुल जी को बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में निश्चित पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को हम लोगों ने मेहनत करके जो 2024 का परिणाम सबके आशीर्वाद उनके सहयोग से लिया, आगे भी बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे 2027 और जमीनी स्तर पर कांग्रेस सब लोग मिलकर खड़ा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। और आदरणीय प्रियंका जी जो चुनाव शायद वायनाड से लड़ेंगी, तो निश्चित तौर से वो एक बहुत ही कर्मठ, बहुत सुयोग्य नेत्री हैं। परिवार की तरह उनका भाव रहता है हम लोगों से, परिवार का भाव, और निश्चित तौर से वो पूरे समाज को जोड़ने में कामयाब होंगी और कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगी। निश्चित तौर से कांग्रेस भाई हर, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका जी ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया, जिस तरीके से वो आगे बढ़कर लड़ी और मोदी का जवाब दिया, तो पूरे देश की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता था कि आदरणीय प्रियंका जी लोकसभा में पहुंचे और पूरे देश की बात को उठाएं, और वो निश्चित तौर से वो दिन आज आ गया या वो निश्चित तौर से वहां से प्रतिनिधित्व करेंगी और केरल के साथ साथ, वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश का नाम आगे बढ़ाएंगी। नहीं, अभी चर्चा ऐसी आ रही है कि वहाँ से परिवार के लोगों ने यह है, और परिवार की जिस तरीके से चीज़ें वहाँ से जुड़ी, वो रायबरेली से आगे प्रतिनिधित्व तो करेंगे, और ये हम सबकी डिमांड थी। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत।